हमारी मांगे पूरी करो, चाहे कोई मजबूरी हो। तो आपकी क्या मांग है, ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? हमारी मांग सिर्फ एक है कि हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और चाहे उसके लिए सरकार को पैरा 4 में संशोधन करना पड़े या कानून के किसी भी लेखा में संशोधन करना पड़े, हमें हमारी मांगे मिलनी चाहिए। हमारी मांग सिर्फ एक ही है, अध्यादेश। वो हमें अध्यादेश दे, हमें हमारे कार्य पे सुनियोजित तरीके से, जैसे हम समायोजित होकर कार्य कर रहे थे, पुनः हमें वहाँ पे सुनियोजित तरीके से स्थापित करे, बस। मैडम, अभी एक अध्यापक कह रही थी कि हमारा स्वाभिमान खो गया है, तो आपका स्वाभिमान कहाँ खो गया है, किसने खोया है? आप खुद बताइए कि आपको अगर किसी पद पे स्थापित किया जाए और आपको उस पद से पुनः निकाल कर कुछ दिन के लिए टर्मिनेट किया जाए और आपको बोला जाए यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम दिस पोस्ट, आप एक चीज बता दीजिए हमको कि हमें हमारे पद से, हम लोगों की गलती नहीं थी, चाहे वो सरकार चाहे जिसकी भी हो, हमारी गलती नहीं थी। हमें शिक्षा मित्र से समायोजित अध्यापक बनाया गया, पुनः समायोजित अध्यापक बनाने के बाद हमें फैसले द्वारा या फिर किसी भी कारणवश, चाहे उसमें कोई भी गलती हुई हो, हमें पुनः हमारे समायोजन को रद्द कर दिया गया। ये बताइए उसमें हमारे जैसे निरीह लोगों का क्या दोष था? हम अध्यापक थे, हमारा उसी में सम्मान है। हमें हमारे पद पर अगर बरकरार नहीं रखा जाएगा तो हमारा सम्मान खो ही तो गया। अगर उस शिक्षिका ने आपसे ये कहा तो उन्होंने पूरे अपने मनोबल से कहा, इसलिए क्योंकि मैं नहीं समझ पाती हूँ कि अगर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सीएम साहब हो, एक चीज बता दीजिए, अगर उन्हें उनके पद से 3 महीने बाद निकाल दिया जाए तो क्या वो विपक्ष के लिए लड़ नहीं जाएंगे? आप खुद बताइए, यहाँ पे हक और पद की लड़ाई है, यहाँ हमारे हकों की लड़ाई है। आप हमें एक चीज बताइए कि अगर एक मामूली चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या हम शिक्षा मित्र अध्यापक नहीं बन सकते हैं? एक चीज और बताइए, क्या हमारे, हम उत्तर प्रदेश से हैं, अगर सीएम हमारे मंदिर का घंटा डुलाते हैं गोरक्षनाथ मंदिर में, वो अगर सीएम बन सकते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के, तो हम भी शिक्षा मित्र अध्यापक बन सकते हैं? ये पूरे जोरों शोर से हम कहना चाहते हैं कि हम कहीं से भी अयोग्य नहीं है। अभी एक महिला अध्यापक कह रही थी कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार इसके अंदर संशोधन हो सकता है, क्या आप मानती हैं कि जो आपकी मांग है वो संविधान के तहत हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, ये हम उनका समर्थन करते हैं कि हमारी मांगे संविधान के अंतर्गत संशोधित हो सकती हैं। अगर जली कट्टू का के जली कट्टू को भी अगर उसको हटाया जा सकता, एक मिनट बोलिए नहीं आप लोग, हमारा सम्मान इसलिए वापस हो सकता है क्योंकि अगर एक हत्यारे को संशोधित करके और मंत्री पद के लिए लड़ने का संशोधन पत्र लाया जा सकता है, तो हमें भी सहायक अध्यापक पद पर रखने के लिए संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान की 9वीं सूची है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए कॉलम दिया हुआ है, जिसमें संशोधन करके हमें पुनः हमारे पद पर स्थापित किया जा सकता है और हमें सहायक अध्यापक पद दिया जा सकता है।